हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ समय में 15,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होंगी, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो आरक्षण पर आदेश जारी किया गया, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके सारी भर्तियों पर किस तरह का असर होगा, जो भी आने वाली भर्तियाँ हैं उन पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय भर्ती समाप्त हो गई है, उसके बारे में भी आदेश जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियो लेटेस्ट टाइम पर बिल्कुल लेटेस्ट जो है वीडियो के द्वारा अपडेट आपको किया जाता है। इसके अलावा बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल के तारीख पर जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, और ये लेटर जो है समस्त विभागों को, समस्त अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष सभी को ये जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनको इस लेटर को जारी किया गया है। और इस लेटर के जरिए सभी को अवगत कराया गया है कि जो पहले आदेश जारी किया गया था बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिले और बिलासपुर संभाग के बिलासपुर संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां की जाती थी उनको स्थानीय भर्तियां की जाती थी, यानी कि वहीं के निवासी उसके लिए पात्र होते थे, उसको अब जो है निरस्त कर दिया गया है। जो कोर्ट में केस लगाया गया था और हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसके वजह से जो है अनुच्छेद की जो है विपरीत होने के कारण उनको निरस्त कर दिया गया है। उसी की निरस्तीकरण के संबंध में इस लेटर को जारी किया है छत्तीसगढ़ शासन ने, और सभी को इस लेटर को जारी किया है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो कई सारी जो भर्तियां हैं, कुछ भर्तियां निकली हुई है और कुछ भर्तियां हो सकता है भविष्य में आने वाली रही होंगी, तो अब वो स्थानीय भर्ती उसकी नहीं होगी। जो स्थानीय भर्ती के हिसाब से सरगुजा और बस्तर संभाग में अगर कोई भर्ती अभी भी निकली हुई है, तो वो भर्ती जो है निरस्त कर दी जाएगी। उस भर्ती का जो आरक्षण रोस्टर है उसको, उस भर्ती के लिए जो भी स्थानीय भर्ती की जो मान्यता है उसको समाप्त कर दी जाएगी। और आप देखेंगे कि अगर कोई भर्ती निकली है, उस भर्ती को निरस्त करके फिर से उस भर्ती के नियमों में चेंज करके दोबारा उस भर्ती को निकाला जाएगा। इसी से संबंधित इस खबर पर भी नज़र आप डाल सकते हैं कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के जो है पदों पर स्थानीय निवासी की भर्ती संविधान के विपरीत कही गई है, और शासन ने विभागों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए जो है कहा है। बस्तर सरगुजा व बिलासपुर संभाग का ये जो मामला है, और यहाँ पर कोर्ट केस लगाया गया था, जिसमें जो है जिन्होंने केस लगाया था उसके पक्षों में जो है हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय भर्ती अब इसके बाद से समाप्त कर दी गई है, और किसी भी स्थान पर, किसी भी संभाग में या किसी भी ज़िले में अब स्थानीय भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आरक्षण से संबंधित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षण को लेकर के जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो कल के डेट पर उसी से संबंधित जो है शासन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि स्थानीय भर्ती को लेकर के जारी किया है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी को इस लेटर को जारी किया है, और इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका पालन अब सभी विभागों को करना है, और सभी विभागों के अध्यक्षों को, सभी को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने, उसके हिसाब से जैसे कि अभी तक जो है 2012 से लेकर अब तक 58% जो आरक्षण का रोस्टर का पालन किया जा रहा था, अब उसको फिर से 50% तक सीमित रखा जाएगा, और 50% से ज़्यादा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो अब आपको 58% आरक्षण देखने को नहीं मिलेगी किसी भी वैकेंसी में, और 50% का आरक्षण आपको अभी जो है सभी वैकेंसीज़ में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, और उसके बाद क्या फैसला आता है वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो भी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसकी भर्ती अभी प्रक्रिया में चल रही है, जो प्रोसेस में अभी चल रही है, या फिर आगे आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं, आपको 50% आरक्षण के साथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके संबंध में ये जो है सूचना जारी कर दिया गया है, और बाकायदा इसमें जो है हाई कोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी इसमें अटैच की गई है, और साथ ही ये सभी विभागों तक इस बात को पहुंचा दिया गया है कि जो भी वैकेंसी आगे आनी है अब 50% आरक्षण के रोस्टर के साथ वो आपको दिखाई देगी।
अब दोस्तों हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में छपी इस लेख के अनुसार विभिन्न विभागों की रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। बहुत सारे विभागों में प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग विभागों में जो पूरी इसके लिए तैयारी किया जा रहा है। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार, साल भर में 18,000 को सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो एक साल के अंदर जो है 15,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर युवाओं को नौकरी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत ही जल्द आप लोगों को बड़ी बड़ी संख्या में जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी और बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। बाकी बहुत सारे भर्तियों की घोषणाएं पहले ही की जा चुकी हैं और उन भर्तियों से संबंधित आप लोगों को नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द दिखने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जो है मोस्ट अवेटेड जो है अभी तक के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां हैं। जैसे ही टेट का रिजल्ट सीजी टेट का रिजल्ट घोषित किया जाता है उसके बाद ही आप लोगों को 12,489 शिक्षक पदों की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर दिया गया आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी 4,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी, पुलिस विभागों में 975 पदों पर SI भर्ती होने वाली है, सहकारिता विभाग में 900 पदों पर, वन विभाग में 251 पदों पर भर्तियाँ होने वाली है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 18,000 से भी ज़्यादा पदों पर यहाँ पर आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। राज्य सेवा में सैकड़ों पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती है, पुलिस विभाग में 975 पदों की भर्ती है और सभी को अगर आप काउंट करेंगे तो 18,000 से भी ज़्यादा भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने तैयारी अभी रोक दी है तो फिर से उसको शुरू कर दीजिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।